So, students, the topic is resistivity of class 10th, continued. कल भी मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ाया था, आज रेजिस्टिविटी पर और भी कुछ बातें बताना है आपको. कल मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, yesterday, rho, which is called specific resistance or resistivity, is equal to R into A upon L. This is equation number one. अगर अब हम इस इक्वेशन में A की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का 1 रख दें, लेंथ कंडक्टर की 1 रख दें, तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा? रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1, दैट मींस रो इज इक्वल टू आर, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर के. तो डेफिनेशन क्या बन गई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या रेजिस्टिविटी की? The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section. Okay, so this is the definition of specific resistance or you can say resistivity. Isko note down kar lijiyega. Aaiye units of resistivity. Kaise units nikalte hain? Higher classes mein bhi aap isi ko follow karenge. 11th 12th mein bhi. फॉर्मूला ये था रो इज इक्वल टू आर इनटू ए अपॉन एल. हमको यूनिट निकालनी है, एसआई यूनिट. रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने आपको पढ़ाया ओम, तो लिख दिया आर की जगह ओम. एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर आ गया. लेंथ मीटर, तो मीटर. ये मीटर इट्स अ मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा ओम इनटू मीटर. देख रहे हो ना अलजेब्रा की तरह. अलजेब्रा में क्या होता है, डिनोमिनेटर से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर है मीटर, तो दिस विल बिकम्स मीटर. तो ओम डैश मीटर. कम टू पेज नंबर टू. तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम इनटू मीटर मींस ओम डैश मीटर, और सिंबॉलिकली मैथमेटिकली आई कैन रिप्रेजेंट इट एज ओम डैश मीटर. इंपॉर्टेंट क्या है रेजिस्टिविटी के बारे में देख लीजिए. नंबर वन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. यानी कि जो रेजिस्टिविटी है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी इसके लेंथ पर और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगी. ओके, किस पे डिपेंड करेगी? इसके जो नेचर है सब्सटेंस का और इस पर जो भी हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, लेंथ पर नहीं. जबकि लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था. ओके, यही डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में. नंबर दो, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है. जितने भी कंडक्टर हमारे मेटल हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उन मेटलों में सबसे जो बेहतर है, सबसे बेस्ट है सिल्वर है, चांदी. सिल्वर से अच्छा कोई भी कंडक्टर नहीं हो सकता. ठीक, वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी. अब सवाल ये उठता है कि हम ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस हमारे यहां तक खींची जाती हैं उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का वायर. सिल्वर क्यों नहीं यूज कर सकते? सिल्वर इतना महंगा है, इतना कॉस्टली है कि उसको ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे तो जो असामाजिक तत्व हैं, चोर वगैरह हैं, वो सब चुरा ले जाएंगे काट करके. इसलिए बहुत कॉस्टली पड़ता है मार्केट के हिसाब से, विच इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीवन. तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉपर एल्यूमिनियम. और प्रैक्टिकली भी कॉपर भी बहुत महंगा होता है. तो आप लोग जो लाइन इलेक्ट्रिसिटी की आती है, जो खींची हुई अपने घरों के बाहर देखिए, मेन लाइन एल्यूमिनियम के वायर से खींची गई है. इलेक्ट्रिसिटी विभाग आपको इलेक्ट्रिकल एल्यूमिनियम वायर से खींच करके आपके घरों में डोमेस्टिक लाइन दे रहा है. ओके, रीजन यही है. और इनकी भी रेजिस्टिविटी जो है कम होती है, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, रेजिस्टेंस कम पैदा करते हैं ये. हीटिंग एलिमेंट्स. हीटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे प्रेस है, आपका टोस्टर है, इसमें हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं. और ये हीटिंग एलिमेंट्स में हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं. द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर आर मेड अप ऑफ एलॉयस. क्यों एलॉय का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? पेज नंबर थ्री. एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल, बिकॉज इसलिए मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, अलॉय का इसलिए करते हैं क्योंकि अलॉय कई मेटल से मिलकर बना होता है और इनकी रेजिस्टिविटी कंपेरेटिव टू मेटल ज्यादा होती है.
the resistivity of an alloy is much higher than that of the pure metal. This is the reason कि हम alloys का इस्तेमाल करते हैं heating element में. अब वो geyser हो, toaster हो, iron press हो, वो कुछ भी हो. Number 2, an alloy does not undergoes oxidation easily even at high temperature. यानी कि high temperature पर भी इसका आसानी से oxidation नहीं हो सकता है. Oxidation reduction आपने 9th में पढ़ा होगा. एग्जाम्पल देता हूं. नाइक्रोम एलॉय इज यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स में ज्यादातर जो एलॉय है नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं. क्यों करते हैं? इसका कारण ये है, इट इज हैज ए वेरी हाई रेजिस्टिविटी. क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत हाई होती है. नंबर बी पॉइंट, इट डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन. पहले भी बताया था, इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पर भी इवन नहीं हो सकता है. ठीक. नंबर 3, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर मैंने बताया था क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के जो मटेरियल जो समटाइम्स बिहेव करते हैं कंडक्टर की तरह और समटाइम्स बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह, उन्हीं को हम कहते हैं सेमी कंडक्टर. जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब सेमी कंडक्टर हैं. और इनकी द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, थैंक यू. माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टिविटी.